वहाँ पे काम जारी है, यहाँ पे भी काम जो है वो हो रहा है। इस कमरे के कर्टन्स लगे हैं। दावत है जेल में। हाई हम लोग जेल पहुँच गए हैं। ये जेल देखो है, ये जेल की दीवार है। हाँ। तो मैं तो डरा हुआ था ना, जिस टाइम की इकरार कंफ्यूज है ना। ओए होए होए छोटी बच्ची मिली थी। हाँ। उसने अपने बाप का कत्ल किया हुआ था अपनी माँ के साथ मिलके। पांच अच्छी बातें अपनी बेगम की और पांच नेगेटिव माइनस पॉइंट अपनी पॉजिटिव सारी आप नेगेटिव बात कर रहे हैं। हमारा शुरू हो गया है ये काके पटाके के साथ ही। काका पटाका सुबह जरूर जा रहा है, ये कह रहा है बस मेरे साथ खेलो। और हमारा जो आज का वीडियो है मैंने जो है वो अभी स्टार्ट किया है, इसने जाना अपने बाबा के पास, ये तंग कर रहा था मुझे। ठीक है, तो आज जो है वो हमारी एक जगह दावत है और हमारे घर की रेनोवेशन के लिए जो है वो एक लोगों को हमने बुलाया है और तकरीबन आ चुके हैं। क्योंकि आपको पता है हम घर के सामान में और घर की चीजों को फिल आउट करने में लगे हुए हैं कि हमारे घर का सामान भी पूरा हो जाए, कर्टन्स शर्टन्स लग जाए। तो अभी फिलहाल एक टीम पहुंची है, सामान लेके जा रहे हैं ऊपर। अरीब साहब जो है वो घर पे नहीं है, तो अरीब के भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके साथ जो है वो चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। तो वो लोग आ चुके हैं, अब हम लोगों ने लगवाने हैं पर्दे। दूसरा हम लोगों ने क्या काम करना है, हमने बिल्ली की करनी है पटाई। रूम सुबह उठते जा करती है तंग। व्लॉग मेरा शुरू हो चुका है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी हम चलते हैं ऊपर, लगवाते हैं पर्दे और आपको भी दिखाते हैं किस किस कलर के मैंने चूज किए हैं। और बाकी के आज दावत के लिए अरीब का ड्रेस भी निकालना है, मेरा भी ड्रेस निकालना है। अरीब साहब काम से निकले हैं, वो वापस आएंगे तो फिर बाकी की चीजें करेंगे। लास्ट को जी, यहाँ पे हमारा सारा सामान आ चुका है जो हमारी फिटिंग वगैरह होनी है। हमारा एक ब्लाइंडर इधर लगना है, एक कर्टन उधर लगना है, बाकी के हमारे कमरों में एक कमरा सिर्फ मेरे बेडरूम में लगा हुआ था, दूसरे कमरे में लगना है। वॉशरूम, तीन वॉशरूम है, तीनों वॉशरूम के ब्लाइंडर्स लगने हैं। तो ये लोग बस आ चुके हैं। भाई कितनी देर में हो जाएगा, हम लोगों ने आज जाना है दावत पे? 2 से 3 घंटे। ठीक है, क्योंकि काम बड़ा लंबा चौड़ा है और बहुत साफ सुथरे तरीके से होना है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम इनको थोड़ा टाइम देते हैं, तब तक करीब भी आ जाएंगे, वो चेक कर लेंगे बाकी की चीजें। और मैं तब तक अपने कपड़े निकालती हूँ, भाभी से थोड़ा मशवरा करती हूँ कि कौन सा कलर पहनूं, अरीब का ड्रेस निकालती हूँ ताकि उनके आने से पहले मैं ये सारी चीजें पूरी कर लूँ। शरण जी, मैंने अपना ड्रेस जो है वो निकाल लिया है, उधर जो है वो अरीब का भी ड्रेस निकला है भाई, ब्राउन कलर का। ये प्रेस हो चुका है, ये भाभी का ड्रेस प्रेस हो गया है, मेरा जो है वो ट्राउजर और चीजें प्रेस होने वाली रह गई हैं, वो प्रेस होएंगी अभी। ये मट्टू सिंह के कपड़े निकल आए हैं, ये मट्टू सिंह ने क्या पहना, ये छोटा उधर शोर हो रहा है ऊपर पर्दे लगने का और ये नीचे रोला डाल रहा है अपना, अलग फीलिंग ही नहीं हो रही है, कोई शांति नहीं लगता रखता ये लड़का, बस शरारत करता फिर निकल गया होना ऊपर जहाँ काम हो रहा है, इसको शौक ऐसे करके देखने का। ये फिर चढ़ रहा, फिर देखो जोहर, वो देखो चाचू की कमी पूरी करने के लिए जाता है 2 मिनट बाद, फिर नहीं आप वापिस आओ नीचे चलो। जी गाइस, फिलहाल इस कमरे के कर्टन्स लगे हैं ग्रे एंड पिंक कलर के, ग्रे अरीब की कलर और पिंक मेरा कलर। ये है जी हमारे वार्डरोब का कमरा, आधा अधूरा मैंने साथ साथ बैठे बैठे मेकअप भी इतना निपटा लिया था, ये कमरा भी निपट गया। दूसरा कमरा है उसके भी कर्टन्स लगे हैं, लेकिन अभी वो देखें वहाँ पर काम जारी है, यहाँ पर भी काम जो है वो हो रहा है। कुछ ब्लाइंडर्स लगे हैं, यहाँ पर लग रही थी भाई ब्लाइंडर शीट, वो जो सामने टेरेस पे थी वो लग चुकी है, वो हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पे अब सारा काम हो रहा है। और मेरे कमरे का जो मेन इशू था ना, वो ये था कि यहाँ पे लगना है हमारा एसी, और इसको हमने थोड़ा सा करवाया नीचा, तो ताकि हमारा एसी वहाँ पे अच्छा फिट हो जाए। पहले ये जो इसकी लेंथ थी ना, ये काफ़ी ऊपर थी और एसी के लिए जगह बची नहीं उस टाइम, तो अब याद आया भाई वायरिंग सारी इधर हुई भी है। तो खैर, कपड़े शपड़े अपने भी प्रेस करके ले आई हूँ, अपने साथ में मैंने ज्वेलरी निकाल ली है सारी चीज़ें, और ये अरीब का ड्रेस भी नहीं। अरीब साहब आएंगे और फिर हम लोग जो हैं वो रेडी होंगे, क्योंकि भाई भाभी लोग जो है ना वो बस अभी निकलने लगे हैं क्योंकि वो लोग लेट हो रहे थे, मैं अरीब का वेट कर रही हूँ, अरीब आएंगे तो बाकी ये सब चीज़ें देखेंगे। चलें जी, हमारे वॉशरूम में भी ये प्रॉपर लग चुका है यहाँ पे। यार पहले मुझे बिल्कुल ना इसकी समझ नहीं आती थी ये किस लिए होता है, ठीक है, इसको जो है ना ये घुमाते हैं यूं 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 और फिर ये जो है ना वो खुल जाता है, खुल जाए सिम सिम के लिए, तो पैक हो गया। अब ये देखो जी, ये किया हमने और ये ओपन हो गया लाइट के लिए, और ये जो है, चलो जी फिर वापस आ गया जी। ये हमारा वॉशरूम तो रेडी हो गए हैं, बाकी की चीज़ें भी रेडी हो रही हैं, आहिस्ता रेडी होती हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमारे दूसरे वॉशरूम का भी ब्लाइंडर सीन डन हो गया है और वार्डरोब भी डन हो गई है। अब जूते सारे मैंने यहाँ जोड़ दिए हैं,
ठीक है, ये वार्डरोब रूम जब सेट होगा तब ये सब चीजें, अभी इतने सारे काम है करने को कि मेरे दिमाग की ना नसें फट रही हैं। ये हमारे तीसरे वॉशरूम के ब्लाइंडर लग रहे हैं। ये हमारे इस रूम के जो इस वक्त जो है वो हब बना हुआ सूटकेसेस का, ये है इसका भी। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मिल गया आपको टाइम, आ गए आप घर? तो मैं आ गई हूँ, लेकिन हाँ। ये काम क्या मैं बड़े करवाए हैं। कैसे लगे कर्टन्स? खट्टे पीले क्यों हैं? ये खट्टे पीले भी मैं लॉजिक समझाती हूँ। रेड फॉर यूट्यूब, येलो फॉर इंस्टाग्राम, ब्लू फॉर ब्लू एंड व्हाइट फॉर फेसबुक। इंस्टाग्राम के लिए येलो कैसे हो गया? येलो और पिंक है उसका लोगो। इंस्टाग्राम का येलो पिंक है री, लेकिन ये लग रहा है सोशल मीडिया वाला रूम लग रहा है ना। ये बेसिकली वो किया बिल्कुल ही, बिल्कुल मैं हाँ बाकी साहब बिल्कुल मैं पिंक कर लेते कितने बुरे लगते। ये अभी अरीब साहब एक एक करके देखेंगे। मैंने सोचा कि ये हमारा एक मिरर भी पड़ा हुआ है जो कि यहाँ कंसोल के इस कंसोल के साथ का था, वो भी यहाँ लगेगा। घर में इस वक्त इतनी भगदड़ मची हुई है, ये देखो कितना कचरा यहाँ हुआ हुआ है, यहाँ कचरा, यहाँ कचरा, यहाँ कचरा, कचरा कचरा पूरा हाल हुआ है। ये चीजें हम सेट करवाएंगे सारी। ये देखें ध्यान से अरीब, ध्यान से मेरे कपड़े निकाले हुए हैं। आपके कपड़े? हाँ। आप यही इतने प्यारे लग रहे हो इसमें। बताओ ना जल्दी। अरीब निकाले हैं इतना, मैं आपको, मैंने लिए, मेरे पास आपके लिए एक मैचिंग सरप्राइज है आज, मैंने खुद ये देखें सेट करके, ये देखो वाह भाई वाह, मैचिंग कर ली आखिरकार है। वो मेरा छोटू मोटू वही, वहां मैं मेकअप कर रही थी बैठ के साथ में, मैंने रखा। अरे बाप जल्दी से फ्रेश हो रहे हैं इस बाथरूम के, मैं मोइना कर लूंगी, सारे काम सही हो, सारे बाप देख ले, मैं अब रेडी होने, मैं अब कपड़े शपड़े चेंज करने लगी, मैं अब काम करने लगी, ठीक है आप भी करवा लें बाकी। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं 5 मिनट में, लिटरली 5 मिनट में तैयार हो गया गाइस, मैं 5 मिनट में, लेकिन ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई। तो कैसी लग रही? वाह जी वाह, हसीन जमील शकील नहीं लग रही, जल्दी चलो निकले हैं। नहीं लग रही मतलब? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। चलो हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है, अच्छी लग रही हूँ। और तुम्हें पता आज हमने कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? दावत पे तो पता चलना चाहिए। पता दावत है कहाँ पे? नहीं, दावत है जेल में। आई? सीरियसली? मेरे कजन है, वो होते हैं DIG है वो, तो उनके घर 7 जेल है, 7 घर है, तो वहाँ पे जाना है हमने। हाँ जी, अरीब जेल है, मैं तो आपको कैद कर रहा हूँ। चले जी गाइस तैयार होके मैं तो निकलने लगी हूँ। मैं सीढ़ियों पे आके मुझे एकदम एहसास होता है कि मैंने ना कोई 5-6 गज लंबी जो है ना वो हील पहन ली है और मुझसे चला नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, मैं बस गिरू ना यहाँ से, मुझे जो डर लग रहा है असल में वो यही है कि बेटा इतनी लंबी हील पहन ली है तो चलना किसने। चले जी गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और सीधा पहुँचते हैं जेल में। जेल में? जेल में तो कह रहे हो जेल में जा रहे हैं। अरे अगर वो जाके जेल की जगह चेंज हुई ना फिर बताऊंगी मैं। यार ये 7 जेल है। हाँ। और ये 7 उनका घर है। अच्छा, बिल्कुल 7-7 है। तो हम जा रहे हैं दीवारे जेल। वैसे रीप हम लोग जेल को अंदर से देख सकते हैं? आपने मुझे जेल दिखानी अंदर से। कौन हो तुम भाई? क्या मतलब क्यों देख सकते हैं? वो उनका अपना काम है, उनको अच्छा नहीं लगता ऐसा कहते। I am डॉक्टर इकरा कवल। ये गाइस गाइस ये वो डॉक्टर है जिसका वाइफ एक पेशेंट है अदीब। अरे मेरे से बात मत कर, समझ आई है? हर व्लॉग में आपने बस इसी तरह से 2-4 लाइनें याद की होती है। मेरा पगली। मुझे ऐसा लगता है कि अरीब ने ना हर व्लॉग में बस सोची होती है कि आज इकरा ने अगर ये बोला ना तो ये बोले। चलो अभी चलते हैं। अभी मैं भी बेटा अभी मैं ये शुरू करने लगी, मैं तो लोगों की ना जुगतों वाली वो निकाल के बैठा करूंगी। जुगतों वाली? हाँ, वो किताबें जो वो होती है ना वो निकाल के बैठा करूंगी। जब आप जब कोई बात करोगे एक जुगत फ्री की, एक जुगत फ्री की। अभी अभी पता है मुझे फिर पड़ जानी। फाइनली हम लोग जेल पहुंच गए हैं। ये देखो ये जेल की दीवार है। हाँ। ये दीवारें जेल है सारी गाइस, ये देखे। और यहाँ से अब हम घर जाने लगे हैं। ये गेट है जेल का, अंदर नहीं जा सकते, यहाँ जाना। चले जी हम दीवारे जेल वाली जेल की। डर क्यों रही हो यार? मुझे डर लग रहा है। एक तो डर लग रहा है कि मेरे साथ साथ रहना, दूसरा ये कि दीवारों से मुझे। हाँ पुलिस वाला है, पुलिस वाले इसको लेके जाएं प्लीज, इसको लेके जाएं पहले। सारे लोग आ गए, हम लोग भी लेके। सब आ गए अरीब, देखो सब कितने पंक्चुअल लोग हैं। एंड यू आर लेट। इसको देखे ना ये लड़का आते साथ मेरे से ना बागी हो गया और खड़ा। देखो तुम्हारी आवाज नहीं निकली 10 मिनट अब, तुम्हारी आवाज निकल आई है। मैंने मेरे साथ मेरे साथी मेरे सब्सक्राइबर्स आए हैं ना, कैसे यहाँ पे सारा खाना लग चुका है। मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकती क्योंकि सब लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखे ना ये अपनी प्लेट पकड़ के बैठ गए। नहीं आप मुझे भर के देंगे प्लेट? वैसे मैं नहीं जी, मेरी बन गई है प्लेट। ये देखो अंदर जब सब खाली हो गया ना तो ये देखो शेरों की तरह बोल रहा है। अरे मैंने आपको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ने के लिए, ठीक है।
आप तो खुद सुन हो के बैठे हुए हो, नहीं खुद क्यों सुन रहे थे? अब क्या चुप बोल क्यों नहीं रही है? पकड़ना जरा मेरी प्लेट, मैं भी जरा अपनी तरफ कैमरा करूँ। अभी ये सारा कमरा खाली हुआ है तो मैं खुल के जरा व्लॉगिंग कर, मैंने आपको दिखा दिया मेरी प्लेट में काफी कुछ है, डिशेज मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, हनी विंग्स है, दही है, मटन है, काफी कुछ और भी है, वो जब लाऊंगी फिर दिखाऊंगा। मैं तो डटा हुआ था ना जिस टाइम की इकरार कंफ्यूज है ना, ओए होए होए, पता नहीं इस कंफ्यूजन का इसको क्यों इतना मजा आ रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ये चाहता क्या है, ये चाहता इसकी बेगम कंफ्यूज रहे। जैसे आपको मजा आ रहा है मुझे मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई कहता कुछ नहीं, लेकिन आप वैसे थोड़े नर्वस हुए होते हैं ना, लड़कियां समझ सकती हैं। अब बस करें, सब आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, बंद कर सब आना शुरू हो गया, मैं बंद कर रही हूं। गाइस हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, अब हम लोग आके बैठ गए बाहर, और ये देखो अरीब साहब यहाँ पे गेम शेम खेल रहे हैं क्योंकि आते साथ, और वो वहाँ पे चैंपियन अलग खुश हो रहा है कि मैं पता नहीं कौन से गोल मार रहा हूँ। ठीक है, लड़के लड़के वहाँ पे जो है वो गेम शेम खेल रहे हैं और हम यहाँ पे जो है ना वो कैदियों वाला होम टूर कर रहे हैं। लग तो नहीं रहा यहाँ पे कैदी रहते हैं यार, यहाँ पे तो लग रहा है सही असली इंसान रहते हैं, वो भी कैद इंसान ही है, वो भी इंसान ही है, लेकिन यहाँ पे हम एक जगह पे आए हैं जहाँ पे इस तरह से जो है ना यहाँ पे फाउंटेन वगैरह ऑन होएगा। यहाँ से अगर कोई फलांग के कैदी आ जाए तुम लोगों की बिल्कुल साथ लगती दीवार, तो क्या करोगे? कोई नहीं आ सकता, उनको वही कॉन्फिडेंस है, जिनके अब्बा काम करते ना उनके पास ही होता है, हमें तो डर लग रहा है इधर से कोई आ जाएगा, इधर से कोई आ जाएगा। कैदी कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छा, छोटी बच्ची मिली थी, ये तो मुझे लग रहा है मुझे एक सिस्टोलॉजी का क्राइम केस रिपोर्टिंग खोलना चाहिए। कह रही एक बच्ची कैदी से मिली, उसने अपने बाप को कत्ल किया हुआ था, वैसे ऐसे से अल्लाह। हाँ, सारी बंदों का ये बंदे करते हैं। हमारा वो था ऐसे सितंबर को, 15 सितंबर शादी हुई, सितंबर पहले हो गया था। हाँ जी, क्या सारा रही है सब? जेमिनी है, डेट ऑफ बर्थ 14 जून। एक्वेरियस, एक्वेरियस, डेट ऑफ 25 जनवरी। पांच अच्छी बातें अपनी बेगम की और पांच एडवेंचरस है डॉक्टर ही है और वेल एजुकेटेड है, वो उसकी बुक रीडिंग करती है, बहुत अच्छी पेंटर है। अच्छा, और मेरी बेगम की तरह ये देखो मेरी मिसेज नहीं, इस तरह भी सारी जो घर में अपने हुई है वो मैंने खुद, और बहुत अच्छा गाना गाती है। एक डेढ़ साल से देखा हुआ आपका, तो ये पास आपकी तो उस हवाले से पता है ना, जो ये तो आपको केयरिंग है, लविंग है, कौन सी बात है? देखो दो महीने में इतनी चीजें पता चलती है। मेरी कौन सी इरिटेटिंग हरकत है? सो है बता दे, सवाल बहुत करती है, बहुत क्वेश्चन करती है, यानी कि मैं बैठा हूँ काम करूंगा, ऐसे तो ऐसे क्यों है, ऐसे तो ऐसे क्यों है, ऐसे तो ऐसे क्यों है, मुझे मैं कहीं होता इरिटेट होता हूँ। केयरिंग तो कुछ और होता है, ये मान लिया हमने, सवाल करना मैं जरूर, वो बीवी है, ये तो हर बीवी ने सवाल ही करना ना, उसे ठीक है मेरा पॉइंट नहीं है, मेरी बस अगला पॉइंट, तूने अपने बड़े भाई से सबक नहीं हासिल किया, अभी सीख रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मुझे नेगेटिव सोचना पड़ रहा है, ये स्माइल की फायदा है।
नेगेटिव ऐसा चोर कुछ भी नहीं है अभी तक तो जहाँ तक मैंने पांच लोगों से बताने चलो कोई नहीं साली को अब हो गया अब है नहीं मुझे पता नहीं चल रही थी एक ही बताया एक नेगेटिव तो रस्ते में आपको याद आएगा मैं मैसेज कर देता हूँ प्यारी बात नंबर वन जब ये गलती कर लेता है तो उसको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है तो एहसास इमोशंस हैं मतलब कुछ मर्द होते हैं लाइक दे डोंट केयर ही केयर्स अ लॉट एहसास है दूसरी अच्छी चीज ये है कि काम एक दफा कहो तो वो दूसरे ही सेकंड हो जाता है डिले नहीं करता वो तो ऐसी है ना अभी अर्ली डेज है जब से एंगेजमेंट हुई है 1.5 साल हो गया है भाभी की बात याद है वो छोटी बहन की शादी हुई तो आगे कहती है मेरे भैया तो बड़े अच्छे हैं वो ये भी करते हैं मैंने कहा वो ये भी करते हैं वो भी कर देते हैं मैंने हाँ। कहा ड्राइविंग सिखाओ वो कहते हैं हाँ बेबी मैं सिखा दूंगा तो मुझे ना सिखाने पास उसका भाई बैठा हुआ था तो जहाज भी जाएंगे ना तो भी सिखा तीसरी अच्छी चीज है कि यानी कि अगर मैं ठीक नहीं हूँ या मैं लो फील कर रही हूँ या मैं कपड़े नहीं इस्त्री कर पा रही हूँ मेरे लिए नाश्ता बनाता सबसे अच्छी बात पहले मामा बनाती है अब ये बनाती या भाभी बनाती है या ये बनाती है चौथी अच्छी आदत है कि वो इतनी तो है ही नहीं ज्यादा मतलब ज्यादा तंग एक होता है ना कि ये क्या किया है ये क्या मतलब छोटी छोटी घर की चीजों में ज्यादा वो नहीं चिक डिमांडिंग नहीं है हाँ ज्यादा डिमांडिंग नहीं है कि मुझे मेरे लिए ये करो तो वो करो ये भाभी हमसे पूछे ये क्या ये चाबुई से होए नहीं मेरे लिए नहीं है अरे वो स्कूल का वो अपनी पॉजिटिव सारी आप नेगेटिव बात कर रहे हो तूने उल्टी नेगेटिव बात हो ये नहीं बताया कि खाना नहीं पकाती मुझे नेगेटिव लगता नहीं ये उसके लिए पॉजिटिव और अच्छी आदत तो ये है कि ये ना कोई चीज एक दफा कहता तो भूलता ही नहीं चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी हो भूलता ही नहीं है ये सब उसको भूलने की नहीं बोलती नहीं तो ये नेगेटिव ये दोनों में आएगी ये दोनों में आती है अच्छी चीजें भी नहीं भूलता बुरी भी नहीं भूलता पांच नेगेटिव एग्रेसिव दूसरी बुरी आदत है कि बहुत जल्दी ना टेंशन ले लेता है तीसरी बुरी बात है राधी और नहीं है बस इसके दो हाँ वो भी अपने जात की हद तक बुरी नहीं बस ये दो हैं बाकी मुझे कहता तुम मेरी साइड टेबल पे क्यों देखती हो मैंने कहा नहीं भी मुझे गंदी नहीं चाहिए अगर कहता निकलो तो अपनी साइड टेबल हाँ ये अपनी बेड की साइड टेबल साफ नहीं क्या सामान रख रही थी उसमें लैपटॉप उसमें 600 लीड्स 200 केबल्स पता नहीं स्विच बोर्ड जो चाबी गाड़ी की हर चीज ने वहां रखी होती है फिर मेरा वहां पर जब मैं 2 दिन के लिए घर गई थी तो वापस आई थी मेरा कमरा बुदम हुआ तो वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है वो मुझे अच्छा लगता है कि चलो टेबल की बात कर ले चले जी यहाँ से पार्टी शार्टी खत्म हो गई है और सब गाड़ियों में बैठ रहे हैं और मैं जा रही हूँ भाई अपनी गाड़ी में और हमारी बिल्ली टिल्ली सारी शरारत की जड़ सो चुकी है अब सुकून से चलते हैं क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया वो जो एक्टिविटी थी वो अचानक से स्टार्ट हुई कपल कंपैटिबिलिटी और वो बहुत मजे की थी वैसे भाभी आपने कभी इकरा को इतना कंफ्यूज देखा है कभी भी यार ये कुछ बोल ही नहीं रही थी वहाँ बैठी हुई चुप करके बैठी हुई थी बस जब उन्होंने कंपटीशन शुरू किया वहाँ पे बोली है वो तो एंजॉय वैसे चुप करके बैठी हुई थी कंफ्यूज कैसा लगा मेरे रिश्तेदारों से मिलके बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छे थे बहुत मजा आया बहुत फन लविंग थे लेकिन मैं वो तो इकरा को कह रहे थे आओ आपको जेल घुमाऊं मैं घूम जाती जेल है इन्होंने ना मुझे आते साथ इतना डराया इन्होंने कहा उनके घर जाओगे ना तो वहाँ पे ना कैदी घूम रहे होंगे इन्होंने कहा अल्लाह और वहाँ पे अरीब के बाकी भी कजन आए थे वो भी सारे मुझे यही कह रहे हैं इकरा देखना यहाँ पे जो दो घूमेंगे ना वो कैदियों के लिए खाने जा रहा है कैदी जा रहे कह रहे थे जो बगैर जूतियों के अगर ना वो कैदी है हाँ। हम लोग शुगर लगा रहे थे उन लोगों ने भी शुगर सबने डिसाइड किया हुआ था और इकरा जब भी कोई आता था ना इकरा उसके पांव देखने लगे जूती पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई और हम लोग हंसी जा रहे हैं भाभी भी फिर मेरे भाई की वो बताई थी बुरी आदत क्या भाभी कहती बहुत ज्यादा कौन सी बताओ चाय पीते हैं हमने जल्दी जल्दी वहाँ पे चाय नहीं पी हमने हमने नहीं पीनी लेकिन अब दिल चाह रहा है सर दर्द हो रहा है मैं आपको अपने हाथ की चाय बनाती हूँ ठीक है आज मेरे हाथ की चाय भाभी भी पियेंगी तो मैं पीऊंगा वरना नहीं पीऊंगा भाभी ये क्या बात हुई भाभी आप पियेंगी ना मेरे हाथ की चाय
अभी चाय बनाती हूँ, कह रहा भाभी पियेंगी तो फिर मैं पीऊंगा। अल्लाह तो बनाती है यार वो। चले देखते भाभी ने अभी तक नहीं पी लेकिन फिर भी कह रही है। चले आज पी लेना ना फिर आप उसके हाथ की चाय, ठीक है डन है। भाभी इनकार की अच्छी बनाती है वैसे, अच्छी बनाती है। अभी हमारी फुल सियानी है। चलें गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा जल्दी ना इस बिल्ली को है कि मैं फटाफट घर पहुंच जाऊं, मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए। बिल्ली चाचू के पीछे पीछे पूछल बनी हुई है। मेरी टिल्ली, बिल्ली टिल्ली बनी हुई है। चाय बनाए, चाय चाय बनाऊं फिर जी मैडम? चाय बनाए, आज मजा आएगा। आज आप मेरे हाथ की चाय पीने वाले हैं। चलते पी के देखते हैं क्या बनता है, या फिर नींद आएगी या फिर नींद उड़ जाएगी पूरी रात के लिए। ये देखो अब ये क्या करूं, क्या तुम्हें चूल्हा चलाना आता नहीं है? हाँ आता है, घूम रहा है कि वो क्या है, वो चढ़ के नहीं रहा पता नहीं, मुझे भी नहीं आता। भाभी भाभी चूल्हा नहीं चल रहा। टाइम तो हो रहा है, 12 बज गए हैं। लो ओह माय गॉड, चलाक पता था इसको कि गैस नहीं आनी, कितनी चलाक है, अल्लाह माफ करे। 12 बजे गैस नहीं आती 10 बजे के बाद। कल से कल टाइम से बना लूंगी ना। कल हम लोगों ने कहीं जाना तो नहीं है, अपना स्केड्यूल चेक कर लेंगे फिलहाल। कल सही भाई मेरी हो गई चाय से छुट्टी। चलें जी गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने पोर्शन में और मेरा देख के सर चकरा रहा है। ओह माय गॉड, मतलब पर्दे शर्दों वाला काम तो हो गया था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया सारा, लेकिन ये जो कचरा जो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डला है, यानी कि ये देखो कितना गंद, ये तो यार बड़ा मसला हो गया। ये तो सुबह उठ के मुझे प्रॉपर एनर्जेटिक भी होना पड़ेगा, व्लॉग भी करना पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी। कल देखते हैं मेड का इंतज़ाम होता है कि नहीं है, तो खैर जो भी होएगा कल ही देखेंगे। अभी मैं करती हूँ चेंज और करती हूँ सोने, नींद करूंगी पूरी। तो आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।